हेलो बच्चों, तो ये है सिक्स की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2, ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो आज हम पढ़ेंगे ग्लोब क्या है, एक्सिस क्या है और इक्वेटर क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा प्लैनेट है, जिसको हम बोलते हैं अर्थ, पृथ्वी, वो पूरी तरह से एक स्फीयर नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटनड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल से ये थोड़ा पिचका है और मिडल से थोड़ा बल्ज है। इट इज़ बल्ज इन द मिडल। तो हम अगर सही तरह से पृथ्वी को जानना चाहते हैं तो हम इस ग्लोब को देखते हैं। तो इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि हमारी पृथ्वी कैसी है। तो ग्लोब क्या है? इट इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। मतलब हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है वो हमने इस मॉडल में दिखाया गया है। तो जो ये मॉडल बनाया है इसको हम बोलते हैं ग्लोब। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम दैट इट इज़ द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, अर्थ का छोटा रूप। तो अगर हम पूरी पृथ्वी को तो स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो ग्लोब की मदद से हम कोशिश कर सकते हैं अपनी पृथ्वी को समझने की। तो अभी ये ग्लोब जो हैं ये बहुत सारी साइज़ में आते हैं और बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। ऐसे भी ग्लोब हैं जो हम पॉकेट में डाल के जा सकते हैं। बैलून की शेप में भी होते हैं, उनको जब चाहे आप हवा डाल के तो उनको फुला सकते हो। हैंडी मतलब आप उनको कहीं भी एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर कैरी कर सकते हैं। ग्लोब जो है ये एक जगह पे फिक्स्ड नहीं होते। इसको हम रोटेट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। जिस तरह से हमारी पृथ्वी रोटेट करती है उसी तरह से हम ग्लोब को घुमा सकते हैं। और इस ग्लोब पर हम क्या क्या देख सकते हैं? बहुत सारे देश, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, समुद्र, महाद्वीप और देश, ये सारी चीज़ें हम एक ग्लोब पर देख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि व्हाट इज़ एक्सिस, एक्सिस क्या होती है। तो एक इस ग्लोब में आप देख रहे होंगे एक निडल सी फिक्स की गई है, टिल्टेड मैनर में, थोड़ी सी टेढ़ी निडल है। इसको हम बोलते हैं एक्सिस। और ये दो पॉइंट्स के साथ जुड़ी हुई है। इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं पोल्स। ऊपर वाला है नॉर्थ पोल और नीचे वाला है साउथ पोल। जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं और जो नीडल या लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं एक्सिस। तो एक्सिस को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन ऑन अर्थ दैट पासिस थ्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल। नेक्स्ट आता है इक्वेटर। तो ये भी एक क्या है? इमेजिनरी लाइन है, ग्लोब पर है और ये हमारे ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में काटती है। तो क्या है? इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब दैट डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जो नॉर्थ वाला हिस्सा है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और जो साउथ वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं, जैसे एक्सिस पढ़ी हमने, इक्वेटर पढ़ी, इनकी क्या ज़रूरत है हमें? तो ये है कि अगर हमें किसी पॉइंट की लोकेशन बतानी है अपनी अर्थ पे, कि हमारी अर्थ पे इंडिया कहाँ है या ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, तो एग्जैक्टली उसकी प्लेस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो इसीलिए हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, कुछ लाइंस बनाई हैं ग्लोब पे, इमेजिनरी लाइंस, टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस। हम इक्वेटर को कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज़ एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट द प्लेसेस ऑन द अर्थ। अर्थ पे अगर हमने कोई प्लेस लोकेट करनी हो, एक जगह ढूंढनी है, तो उसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है वो हमारी इक्वेटर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर लाइन भी बोलते हैं। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स। जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं या साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, और इनको हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। नॉर्थ वाली साइड पे हम एन वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे ऊपर लिखा है 20 डिग्री एन, इसका मतलब 20 डिग्री नॉर्थ, उत्तर वाली दिशा में। देन 40 डिग्री नॉर्थ, उसके बाद आता है 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, और जैसे नॉर्थ पोल पे हम पहुँचते हैं तो वहाँ आता है हमारा 90 डिग्री नॉर्थ। उसी तरह से अगर हम साउथ की तरफ जाते जाएं तो वहाँ आएगा 20 डिग्री साउथ, उसके बाद आएगा 40 डिग्री साउथ। तो ये जो 90 डिग्री पे हमारा नॉर्थ पोल आता है, इसका क्या रीज़न है, क्यों आता है ये? कि ये जो है हमारा डिस्टेंस,
इक्वेटर से लेके पोल तक, ये 1/4 ऑफ अ सर्कल बोला जाता है। एक सर्कल हमें पता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, तो उसको जब हम चौथा हिस्सा निकालते हैं तो वो आता है 90 डिग्री। तो इसीलिए 90 डिग्री पे हमारा नॉर्थ पोल है और साउथ वाली साइड 90 डिग्री पे हमारा साउथ पोल होता है।